बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप आप सब ठीक हैं। अल्लाह ताला हमेशा से दोस्ती वाली ज़िंदगी दे आप सबको। आज मेरा दिल किया है चिकन कढ़ाई बनाने को। रोज़ डेली ये कि टेंशन क्या आप खाया जाए, क्या आप खाया जाए। सो मैंने निकाला चिकन और चिकन कढ़ाई बना ली। इसके लिए मैंने लिए 3 अदद प्याज और लहसुन अदरक को मैंने ब्लेंड कर लिया, योगर्ट और अदरक और मैंने चूरन काट लिया और हरी मिर्चें काट ली हैं। और साथ के लिए मैंने कढ़ाई मसाला लिया है और मैंने ली है मुर्गी, एक पूरी ली है। उसमें कोई आ जाती है जैसे कि 1.5 किलो को हो जाती है मुर्गी वो। अब हम रेसिपी तैयार करना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में मैंने घी डाला है 1 कप। उसमें मैं डालूंगी प्याज। अब हम घी में फ्राई करेंगे प्याज। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, बस हम अब इसमें हम चिकन डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इस पर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। कम से कम हम इसे भूनेंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि इसकी इसमें से स्मेल निकल जाए अदरक और लहसुन की। चिकन अब भुनने वाला है, लेकिन घी निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस पर डालेंगे कढ़ाई मसाला। अब इसको हमने बनाई करनी है चिकन अगेन। फिर हम इस पर डालेंगे साथ ही दही, आधा कप डालेंगे दही साथ साथ डाल के दही आधा कप। अब दही डाल के भूनेंगे, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ती है। तो अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो साथ ही हम डालेंगे टमाटर। ये अच्छी तरह हमने करनी है भुनाई। अब हम साथ इसके डाल देंगे साबुत गर्म मसाले भी। मैंने लिए एक दालचीनी, एक मोटी इलायची, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च डालेंगे बीच में। अब हम साथ डालेंगे टमाटर, जो मैंने 4 टमाटर लेके पीक भी काट लिए थे, और हम डालेंगे ये इसके साथ ही भुन जाएंगे। साथ में हम डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। अब हम इसकी फिर थोड़ी सी भुनाई करेंगे। जितनी भुनाई होती है हंडिया उतनी मज़ेदार बनती है। टमाटर डाल के हमने अब दम पे रख दिया है, ताकि वो दम में भुन जाएगा अच्छे तरीके से। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसकी जो थोड़ा सा बहुत पानी रह गया वो हम ड्राई कर लेंगे, और उससे हम धनिया अदरक और हरी मिर्च डाल के गार्निशिंग करेंगे। फिर हम पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे। अब साथ साथ बनाई चलेगी, बस घी निकलने वाला है इसका। कढ़ाई बन के अब तैयार हो गई है। अब हम इस पर गार्निशिंग करेंगे और 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब हम इसका दम खोलेंगे और सर्व करेंगे प्लेट में। बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। मैंने डाला प्लेट में, कढ़ाई बन के तैयार। और अब इसे रोटी के साथ खाए मजे लेके। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। थैंक यू सो मच।